खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां एक 8 साल की मासूम को सांप ने काट लिया है। मासूम खटिया पर सो रही थी, तभी यह घटना हुई। सोते ही में उसने दम तोड़ दिया। घटना मोती झील पुरानी छावनी इलाके की है। इसके बाद भी परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने सब परिजन के सुपुर्द कर दिया है। जब अंतिम संस्कार करने के बाद मासूम के पिता ने अपना मोबाइल चेक किया तो उन्हें रुला देने वाला वीडियो मिला है। मौत से चंद घंटे पहले उसने अपना गाना गाते हुए एक वीडियो शूट किया था। अब इस वीडियो को देखकर परिजन की आंखें आंसू से भर आती हैं। शहर के पुरानी छावनी स्थित मोती झील पहाड़िया पर लखमविंदर सिंह पत्नी राजेंद्र कौर व बच्चे के साथ रहता है। मूल रूप से वह फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह पास ही एक खेत पर काम करता है, पत्नी भी काम करने जाती है। एक दिन पहले की बात है, लखविंदर सिंह की छोटी बेटी खटिया पर सो रही थी। दिन के समय अचानक कहीं से सांप आ गया, सांप ने मासूम को काट लिया। घटना का उन्हें पता उस समय लगा जब शाम को लखविंदर खेत से वापस लौटा। उसने बेटी का शरीर पीला पड़ते देखा तो तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जया रोग अस्पताल में बेटी को लेकर पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको निगरानी में लेकर जांच शुरू कर दी। 8 साल की मासूम को सांप ने काटा।